गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेक्चर नंबर 24 वीडियो ऑफ योर इंग्लिश टीचर एंड दिस इज फॉर क्लास 2। इन द प्रीवियस लेक्चर वीडियो वी ऑल हैड स्टडीड अबाउट द चैप्टर इज आवर द टूथ ब्रश एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द होमवर्क। फर्स्ट रीड द सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट इस सेंटेंस। हमें ट्रू और फॉल्स बनाना है। फर्स्ट क्या है, माई टूथ ब्रश इज वेरी बिग। नहीं, हमारा टूथब्रश बहुत छोटा दिया है बुक में। तो फॉल्स, आई यूज़ द टूथब्रश ब्रश टू क्लीन माई टीथ। मैं अपने टूथब्रश से अपने दांतों को साफ करता हूँ। तो ट्रू, आई ब्रश माई टीथ ओनली इन द मॉर्निंग। मैं अपने दांतों को सिर्फ सुबह में साफ करता हूँ। तो ये फॉल्स है, आई हैव शाइनी टीथ, मेरे चमकदार दांत है। तो ट्रू, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं दिन में दो बार ब्रश करता हूँ। तो ये ट्रू है। ठीक है, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड द बॉयज, से दियर नेम्स, टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट हेल्प द बॉयज कीप देम सेल्फ्स क्लिप। हमें सारे सामानों को देखना है, उनके नाम बताना है और हमें उस पर टिक करना है जिससे बच्चा अपने आप को साफ सुथरा रखता है। तो फैन से तो बच्चे साफ होते नहीं है, तो गलत कर दिए। रेडियो से भी नहीं होगा, चेयर से भी नहीं होगा, टेबल से भी नहीं होगा। बट टूथब्रश से वो अपने दांत साफ करते हैं, सोप से वो नहा के अपने आप को साफ करते हैं, कम से वो बालों को क्लीन करते हैं, टूथपेस्ट से वो दांतों को करते हैं और पानी से वो खुद को साफ करते हैं। तो इस पर हमने टिक कर दिया और इस पर हमने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, ये योर टीचर विल आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम कॉलम ए, लिसन टू हर केयरफुली एंड आंसर हर करेक्टली, चूज द आंसर फ्रॉम कॉलम बी। आपकी टीचर आपसे कॉलम में से सवाल करेगी, आप उनको अच्छे से सुनोगे और उनका जवाब कॉलम बी से देगा। डिड यू ब्रश योर टीथ टूडे, क्या आप तुमने ब्रश किया। यस आई डिड, हाँ मैंने किया। डिड यू वॉश योर फेस टूडे, यस आई डिड। के मैम, डिड यू कॉम योर हेयर टूडे, यस आई डिड। डिड यू हैव अ बाथ टूडे, यस आई डिड। डिड यू पॉलिश योर शूज टूडे, यस आई डिड। ठीक है, आपने रोज़ सुबह ब्रश किया, हाँ मैंने किया। आपने सुबह मुंह धोया, हाँ मैंने किया। आपने सुबह बाल झाड़ा, हाँ मैंने किया। आपने सुबह स्नान किया, हाँ मैंने किया। आपने सुबह अपनी जूतों को पॉलिश किया, हाँ मैंने किया। ठीक है, और ये हमें क्वेश्चंस इसके इसमें जो दिया हुआ है वो और फिगर से देख के हमें फिल आउट करना है। तो व्हाट इज़ द मैन डूइंग, आदमी क्या कर रहा है। तो द मैन इज़ ईटिंग अ मैंगो, आदमी आम खा रहा है। व्हाट इज़ राधा डूइंग, राधा क्या कर रही है। राधा इज़ वॉशिंग हर हैंड्स, राधा अपने हाथ को धो रही है। व्हाट इज़ द चाइल्ड डूइंग, बच्चा क्या कर रहा है। द चाइल्ड इज़ क्लाइंबिंग अ हिल, चाइल्ड बच्चा एक पहाड़ पर चढ़ रहा है। व्हाट इज़ द डॉग डूइंग, डॉग क्या कर रहा है। तो द डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। What is the girl doing? The girl is reading a newspaper. What is the baby doing? The baby is crying. Tick the places and things that you clean every day. आप रोज क्या क्या साफ करते हैं। रोज अपने दांतों को साफ करते हैं, अपने घर को साफ करते हैं। अगर आप करते हो तभी टिक आउट करोगे, वरना नहीं करोगे। आप अपने गार्डन को रोज साफ करते हो, क्लासरूम को, मंदिर को और अपने रूम को। अगर आप इस पे सबको सफाई करते हो तभी आप इस पे टिक आउट करोगे, अगर नहीं करते हो तो नहीं करते हो। तो बस आज के लिए इतना ही।